हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम आपको नेक्स्ट फाइलम फाइलम मोलेस्का के बारे में हम बताएंगे। ये जो फाइलम है हमारे पास मोलेस्का, इस फाइलम के अंदर बहुत टाइप के ऑर्गेनिज्म है, यानी इट्स कंसिस्ट ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिसके अंदर मुसल्स हैं। इट इंक्लूड्स many types of organisms। इस पार्टिकुलर फाइलम के अंदर कई टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे भाई हमारे पास क्या है, मुसल्स हैं, स्नेल्स हैं, ओयस्टर्स हैं, लोबस्टर्स हैं, कटलफिशेस हैं, भाई सलज हैं, एटसेट्रा। तो इस पार्टिकुलर ग्रुप के अंदर बहुत ज्यादा टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। अब वो जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, अगर हम उन ऑर्गेनिजम्स के करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, मतलब जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं जनरल करेक्टरिस्टिक्स की, तो जनरल करेक्टरिस्टिक्स में क्या है, देखिए करेक्टरिस्टिक्स, जर्नल करेक्टरिस्टिक्स के केस में क्या है भाई हमारे पास, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो बॉडी फॉर्म है, बॉडी फॉर्म पहला करेक्टर है हमारे पास। अगर बॉडी फॉर्म्स की बात करते हैं तो इट इंक्लूड्स द ऑर्गेनिजम्स विद वेरिड शेप, यानी अलग अलग शेप के ऑर्गेनिज्म है भाई इसमें, ठीक है, और यानी यहां जो ऑर्गेनिज्म है इसमें, उसमें सेगमेंटेशन की केस नहीं है भाई, विदाउट सेगमेंटेशन है। तो हमारे पास इसमें एक एग्जांपल है भाई, जिसको हम बोल सकते हैं नियो पेलिना। ये जो ऑर्गेनिज्म होता है इसमें सेगमेंटेड बॉडी होती है, यानी यहां सिर्फ एक ओनली यही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी के अंदर सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर बॉडी की सिमेट्री की बात करते हैं, ठीक है, तो इसकी बॉडी की सिमेट्री के अंदर देखिए क्या चीज है, नेक्स्ट करेक्टर हमारे पास क्या है, बॉडी सिमेट्री, अगर हम बॉडी सिमेट्री की बात करते हैं तो मोस्टली ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ बाइलेटरल सिमेट्री, बट एक जो हाँ, अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इनके केस में कुछ स्पेसिफिक करेक्टर है भाई, सेकेंडरी सम कंडीशन से आर एसिमेट्रिक, और जो वो एसिमेट्रिक हैं किसके कारण है भाई, स्पेशल कंडीशन बनती है जिसको बोलते हैं टॉर्जन, ठीक है, सेकेंडरी एसिमेट्रिकल ड्यू टू टॉर्जन, किसके कारण भाई टॉर्जन। अभी टॉर्जन क्या होता है, ट्विस्टिंग होती है, किसके केस में, स्नेल्स जो होते हैं ना, स्नेल्स आपने शंख देखे होंगे, शंख डिफरेंट टाइप्स के जो शंख हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, उन शंख के अंदर आप देखिए किस तरीके से बॉडी जो राउंडेड फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है, तो यहां हमारे पास शंख इसका एक एग्जाम्पल है जिसमें टॉर्जन सिमेट्री की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हमारे पास करेक्टर की बात देखते हैं, वही नॉर्मल करेक्टर है भाई हमारे पास, अगर हम बात करते हैं जर्म लेयर की बात करते हैं, करेक्टर हम नेक्स्ट बनाए जर्म लेयर, थर्ड करेक्टर है भाई जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स में क्या है, बॉडी कंसिस्ट ऑफ थ्री जर्म लेयर्स, ठीक है, यानी बॉडी कैसी है भाई, ट्रिप्लोब्लास्टिक,
ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, तीन जर्म लेयर विद थ्री जर्म लेयर्स, और वो कौन कौन सी हैं भाई? आपको पता कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म होती है। अगर हम यहां पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, फैक्टर नंबर फोर क्या हमारे पास? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है हमारे पास यहां पर भी भाई? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भाई, ऑर्गन सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल के बेस के ऊपर काम करता है, यानी बॉडी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का जो लेवल है वो टिश्यू सिस्टम यहां पर नहीं बल्कि ऑर्गन सिस्टम है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट करेक्टर की बात करते हैं, बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं भाई। देखिए बॉडी जो पार्ट, बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसको अगर हम किसी बॉडी के स्पेसिफिक कंडीशंस में बात करें, बॉडी पार्ट, बॉडी आर डिवाइडेड इनटू थ्री मेन रीजन्स भाई। कौन कौन से रीजन है? हेड रीजन, ठीक है, सबसे नीचे जो होता है उसको फुट रीजन के नाम से हम बोलते हैं, और जो इंटरनल मास होता है उसको हम विसरल मास के नाम से बोलते हैं। जो इंटरनली जो पार्ट्स प्रेजेंट होता है उसको हम किसके नाम से बोलते हैं? विसरल, विसरल मास। अब कैसे है भाई हमारे पास ये बॉडी? देखिए सिंपली अगर हम इस ऑर्गेनिजम्स की बॉडी की बात करते हैं तो आपने स्नेल्स को देखा है, स्नेल्स की बॉडी कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होती है, ऐसे इस तरीके से प्रेजेंट होती है। तो इसी पार्टिकुलर रीजन यानी यहां पर जो रीजन है इसको हम एंटीरियर रीजन मानते हैं। मान लो सपोज कीजिए ये एंटीरियर रीजन है हमारे पास, ये इसका हेड है, ये इसका हेड है, और वही इस रीजन के अंदर उसके पास फिट प्रेजेंट है, ये कौन सी चीज है? फुट जो प्रेजेंट है, और इसकी बॉडी का जो नॉर्मल मास प्रेजेंट होता है वो इस पार्टिकुलर रीजन में होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? विसरल मास। ये क्या है भाई? विसरल मास है हमारे पास। तो इस तरीके से देखिए ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है, हमने आपको बताया कि मैंने सबसे पहले जो एग्जांपल आपको दिया है वो एग्जांपल मैंने एक तरीके से आपको सिर्फ और किसका दिया है? मैंने आपको एग्जांपल दिया है भाई, यहां पर मैंने एग्जांपल आपको स्नेल्स का दिया, किसका दिया है? स्नेल्स का। तो स्नेल्स की बॉडी के बेस के ऊपर मैंने आपको बता दिया कि बॉडी आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, और वो जो डिफरेंट पार्ट्स है वो किस तरीके से प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर करैक्टर की बात करते हैं तो देखिए जो बॉडी के अंदर देखिए आप देखिए हम यहां पर आपको बताते हैं, अगर आप यहां से ध्यान से देखें इसकी बॉडी को इस तरीके से हमारे पास जो कंडीशन बनी हुई है भाई, देखिए आप इसको ध्यान से देखिए, ये जो बॉडी की बात हम करते हैं यहां पर, इस बॉडी की बात करते हैं, ये बॉडी प्रेजेंट है। अब इस बॉडी के बेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि एक करैक्टर बना सकते हैं, मेंटल की बात कर सकते हैं, एक करैक्टर बना सकते हैं, क्या भाई? मेंटल, ठीक है ना। हम क्या करैक्टर बना सकते हैं? पेलियम, मेंटल या पेलियम के नाम से करैक्टर बना सकते हैं। देखिए मेंटल और पेलियम का मतलब क्या है भाई? ये जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है ना, ये जो मैंने रेड स्केच से दिखाई है यही मेंटल है, ये क्या है भाई? मेंटल। और यहां पर देखिए ये सील है, ये क्या है भाई? सील। ये क्या है? हार्ड कोटिंग है, सील, सील बोलते हैं इसको। इन दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसको हम मेंटल कैविटी के नाम से बोलते हैं। इन दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है इस चीज को हम किसके नाम से बोलते हैं भाई? दैट इज आल्सो कॉल्ड द मेंटल कैविटी, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्या चीज प्रेजेंट है इस तरीके से, यहां देखिए हमारे पास ये जो रीजन प्रेजेंट है, ठीक है ना, ये जो रीजन है दैट इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी, इसको हम मेंटल कैविटी बोलते हैं, जो एक तरीके से सील और मेंटल के बीच में प्रेजेंट होती है। तो ये जो कैविटी होती है इसमें कोई स्पेसिफिक फ्लूइड नहीं होता, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के केस में, जैसे अगर एग्जांपल की बात करें हमें पिंक टाडा जो ऑर्गेनिजम्स है, उस ऑर्गेनिजम्स जो मोती बनाता है, तो हमारे पास जो मोती होते हैं वो पिंक टाडा ऑर्गेनिज्म से बनते हैं और इसी कैविटी के अंदर वो फॉर्मेशन होती है उसकी, ठीक है।
उसके बाद सील की बात करते हैं। सील जो प्रेजेंट है एक्स्ट्रा एक्सटर्नल कोट प्रेजेंट होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं भाई वो किसके बेस के ऊपर उसमें अब्सेंट होता है। तो यहां पर हम करेक्टर बना सकते हैं, करेक्टर नंबर 7 सील, ठीक है, आउटर कोट ऑफ द बॉडी, बॉडी का जो आउटर कोट है विच इज फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, विच इज फॉर्म्ड बाय कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। अब देखिए ये जो मोस्टली केसेस में ये प्रेजेंट होता है, बट इन केस ऑफ ऑक्टोपस, ऑक्टोपस जो होते हैं उनके अंदर अब्सेंट होता है सील, अब्सेंट ऑक्टोपस के अंदर सील जो होता है वो अब्सेंट होता है। तो अगर सील की भी बात हमने बता दी कि ऑक्टोपस के अंदर जो सील होता है वो बिल्कुल माइन्यूट फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है या बिल्कुल फिर अब्सेंट की फॉर्म में ही आप उसको लिख सकते हैं। अगर बॉडी के अंदर कैविटी की बात करते हैं, अगर सही प्रॉपर कैरेक्टर के बेस के ऊपर बॉडी कैविटी की बात करें तो यहां पर कैविटी प्रेजेंट होती है बॉडी में, तो इट्स कंसिस्ट ऑफ ए ट्रू बॉडी कैविटी, करेक्टर नंबर 8 बनाते हैं। बॉडी कैविटी की बात करते हैं, बॉडी कैविटी मोलस्का कंसिस्ट ऑफ ए बॉडी कैविटी, इट कंसिस्ट ऑफ ट्रू बॉडी कैविटी। अब भाई ट्रू बॉडी कैविटी होगी तो इसका मतलब क्या होगा, इसके जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो कैसे होंगे, दैट्स आर द कोइलोमेट, कोइलोमेट मतलब जिसमें ट्रू कैविटी प्रेजेंट है। अब यहां पर जो कैविटी प्रेजेंट है इस कैविटी को हम स्पेसिफिक नाम से बोल सकते हैं, और वो जो स्पेसिफिक नाम है हमारे पास वो कौन सा है भाई, हीमोकोइल कैविटी, ठीक है ना। ये हमारे पास करेक्टर नंबर 9 है, इसमें हमारे पास क्या है, हीमोकोइल कैविटी, मतलब इसकी कैविटी को स्पेसिफिक नाम से बोल दिया हमने हीमोकोइल कैविटी। भाई अब इस कैविटी से आप मतलब निकाल लीजिए, हीमो मीन्स ब्लड फिल्टर्ड कैविटी, यानी हीमो का मतलब क्या है, इसमें ब्लड भरा होता है, तो ब्लड फिल्टर्ड कैविटी प्रेजेंट होती है, हीमोकॉइल्स जो कैविटी प्रेजेंट होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट करेक्टर देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है भाई वो कंप्लीट होता है, ठीक है, बक्कल कैविटी जो होती है उसके अंदर एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं रेडुला, ठीक है, उसमें ट्रांसवर्स वे में टीथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर करेक्टर नंबर 10 बनाए, करेक्टर नंबर 10 डाइजेस्टिव सिस्टम, भाई डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कंप्लीट, कंप्लीट मतलब माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे एंड होता है। बक्कल कैविटी बियर से स्पेशल ऑर्गन, दैट इज कॉल्ड द रेडुला, उसको हम किसके नाम से बोलते हैं भाई, उसको हम बोलते हैं रेडुला, रेडुला विच बियर्स ट्रांसवर्स टिथ होते हैं, और टिथ का आपको पता है कि किस फॉर्म में वो वर्क करते हैं भाई, टिथ जो होते हैं वो चीविंग के बेस के ऊपर काम करते हैं। एनस लाइज इन द मेंटल कैविटी, एनस जो होता है वो डायरेक्टली आउट नहीं है बट वो मेंटल कैविटी में ओपन होता है, ठीक है, ओपन इन द मेंटल कैविटी। देन उसके बाद रेस्पिरेशन की बात करते हैं। अब देखिए भाई यहां पर जो रेस्पिरेशन होता है वो भाई दोनों तरीके से हो सकता है, मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो वाटर में रहते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो लैंड पे रहते हैं। मतलब कहने का ये है कि जब वो लैंड पे आते हैं तो रेस्पिरेशन वो लंग्स की सहायता से करते हैं, ठीक है, या सरफेस की सहायता से होता है, उसके मेंटल जो पार्ट होता है ना उसी में प्रेजेंट होते हैं लंग्स,
या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब वो वाटर में होता है तो गिल्स की सहायता से टिनिडियल या उसके जो गिल्स होते हैं उसको टिनिडिया के नाम से बोल सकते हैं। तो करेक्टर बनाते हैं, करेक्टर नंबर 11 रेस्पिरेशन। Bears both conditions. Both conditions में क्या है भाई, अगर बात करते हैं किसकी, in water, तो भाई gills, और gills को क्या बोलते हैं, tinidia। gills को क्या बोलते हैं भाई, tinidia की सहायता से। अगर present है किसमें, on land, तो लैंड के केस में कहां से करता है भाई, ऑन लैंड अगर प्रेजेंट है तो भाई लंग्स, लाइक दैट पाइला। पाइला जो हमने बताया ना कि पाइला के अंदर ये चीज प्रेजेंट होती है, तो पाइला के बेस के ऊपर। अभी वो जो लंग्स होते हैं ना वो मेंटल कैविटी में होते हैं, इनसाइड द मेंटल कैविटी, इनसाइड द मेंटल कैविटी। ये वो मेंटल नहीं है जो पागल वाला मेंटल, यहाँ पागल वाला मेंटल समझते रहो, ठीक है। स्पेशल जो जगह है उसको बोलते हैं मेंटल कैविटी। नेक्स्ट करेक्टर हमारे पास क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए यहाँ पर अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो भाई सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें स्पेसिफिक ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो मोस्टली केसेस में सर्कुलेटरी सिस्टम हम बोल सकते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, इट इज वेल डेवलप्ड, ये बहुत अच्छी तरीके से फैला हुआ है। वेल डेवलपिंग कंडीशंस के बेस के ऊपर अगर हम बात करते तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं मोस्टली ओपन होती हैं। ब्लड वेसल्स आर ओपन टाइप एट द साइनस साइड्स, ब्लड वेसल्स ओपन एट साइनस। अब साइनस का मतलब आप समझते हैं, एंडिंग जो होती है ना ब्लड वेसल्स की वो होती है। अब ये देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं पिगमेंट की बात करते हैं तो यहां पर ब्लड के अंदर कॉपर कंटेनिंग ब्लू, ठीक है ना, कॉपर कंटेनिंग ब्लू, कॉपर कंटेनिंग ब्लू पिगमेंट है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हीमोसाइनिन। जिसको क्या बोलते हैं भाई, हीमोसाइनिन प्रेजेंट होती है, वही ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है। अब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो देखिए कुछ ऑर्गेनिजम्स तो यहां इस चीज का डिफेंस में यूज करते हैं भाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं ऑक्टोपस की, तो ऑक्टोपस इस चीज का यूज करता है डिफेंस के प्रोसेस में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास करेक्टर है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर देखिए क्या होता है, किडनी प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, किडनी प्रेजेंट होती है भाई, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन बाय द हेल्प ऑफ वन और टू पेयर ऑफ किडनी, बाय द हेल्प ऑफ वन और टू पेयर ऑफ किडनी दे लाइज इन सैक लाइक कैविटी। कहाँ होती है भाई, सैक लाइक कैविटी में प्रेजेंट होती है। और उसी सैक लाइक कैविटी की बात अगर हम करें तो भाई बाद में जो किडनी की बात हम कर रहे हैं वो किडनी एक तरीके से कहां पर प्रेजेंट है, दे लाई इन मेंटल। और भाई जो वेस्ट होते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्टेज,
अगर बात करते हैं ना तो उसमें क्या क्या है, अमोनिया प्रेजेंट होती है, उसी में यूरिक एसिड भी होता है, समझ गए ना, यूरिक एसिड भी होता है, जैसे पाइला जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं भाई, ये डिफरेंट वे में अपना वर्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है। फिर नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, नर्वस सिस्टम जो होता है भाई वो भी वेल डेवलप होता है, नर्वस सिस्टम इज वेल डेवलप, वेल डेवलप इट बियर्स थ्री गैंगलियॉन्स, बॉडी में साइड बाय साइड थ्री गैंगलियॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और वो थ्री जो गैंगलियॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो कहां कहां पर प्रेजेंट होते हैं भाई, वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। आप ये बोल सकते हो थ्री पेयर्स ऑफ गैंगलियॉन्स प्रेजेंट, थ्री पेयर्स ऑफ गैंगलियॉन्स प्रेजेंट। अब ये थ्री पेयर्स ऑफ गैंगलियॉन जो प्रेजेंट होता है भाई, ये कहां कहां कैसे कैसे होता है, एक तो जो होता है सेंट्रली जो माउथ होता है उसके पास, एक पेयर्स में होता है, मतलब आप समझ रहे होंगे कि किस किस तरीके से भाई। मैंने आपको जैसे बॉडी के तीन पार्ट्स बताए थे, हेड, विसरल मास और भाई फिट, ये तीन पार्ट जो हैं यहां पर हैं, ठीक है, ये तीनों पार्ट से यहां पर है, ज्वाइंट विद कमिसर्स, किसके साथ ज्वाइंट करते हैं भाई, प्रॉपर कमिसर बने होते हैं, उन कमिसर्स के साथ ही आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि बॉडी के अंदर वो पेयर्स में प्रेजेंट है, अब पेयर्स में प्रेजेंट है तो आपस में एक दूसरे के साथ जो गैंगलियोटिक रीजन है ना, वो आपस में एक दूसरे के साथ कमिसर के साथ जुड़े हुए हैं। तो प्रॉपर कमिसर प्रेजेंट होते हैं, उन कमिसर के बेस के ऊपर वो जुड़े होते हैं। अब देखिए, ये जो ग्रुप होता है ऑर्गेनिजम्स का, इसमें कुछ सेंस ऑर्गन की भी बात अगर हम करें तो कर सकते हैं। तो सेंस ऑर्गन्स में आई प्रेजेंट है, स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट है जो इक्विलिब्रियम के लिए प्रेजेंट है, सेंस ऑर्गन्स, आई कौन सा है भाई, आई है, साथ में क्या है, इक्विलिब्रियम की बात करें तो उसमें क्या है, स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट है, स्टेटोसिस्ट की जो कंडीशन, स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, स्टेटोसिस्ट फॉर्म प्रेजेंट होती है, तो वो सब फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं भाई, यहां पर देखिए हमारे पास है, तो ये नर्वस सिस्टम की बात है। अगर नेक्स्ट करेक्टर की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं भाई, रिप्रोडक्शन के केस में क्या होता है, सेक्स आर सेपरेटेड, मेल अलग फीमेल अलग है, मोस्टली क्या ऑल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इसके केस में वही सेम कंडीशंस में प्रेजेंट होते हैं। करेक्टर नंबर 15, रिप्रोडक्शन, करेक्टर नंबर 15 हमने बनाया रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन के केस में देखिए क्या चीज होता है, सेक्स आर सेपरेट, ठीक है ना, सेक्स आर सेपरेट, गोनेट्स लाई इन द बॉडी, बॉडी के अंदर गोनेट्स प्रेजेंट है, मेल गोनेट्स जो होते हैं, फीमेल गोनेट्स जो होते हैं, गोनेट्स विद डक्ट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल और भाई इंटरनल, नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात अगर हम करें तो वो किसी भी तरीके से नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है ना,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो अब्सेंट होता है, किसी भी टाइप के ऑर्गेनिजम्स में इसको रिपोर्टेड नहीं किया गया। अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्टली है, बट इन सम केसेस, ठीक है ना, इन सम केसेस अगर हम डेवलपमेंट को कैरेक्टर बनाए हम यहां पर, तो देखिए डेवलपमेंट कैसी है। डेवलपमेंट इज डायरेक्टली डायरेक्ट, बट इन सम केसेस लार्वा लाइज, भाई कौन सा लार्वा है, इसमें लार्वा प्रेजेंट स्पेसिफिक लार्वा है, इसमें हमारे पास है वुलिगर लार्वा, एक तो है ग्लेचिडियम, और भाई एक होता है उसको विलीगर लार्वा बोलते हैं हम। कौन सा लार्वा बोलते हैं भाई, ग्लेचिडियम्स और वरिगुलर लार्वा, ठीक है, ग्लेचिडियम्स और वरिगुलर लार्वा फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना, ये दोनों की दोनों स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं भाई। उसके साथ साथ नेक्स्ट कैरेक्टर में नेचुरल हिस्ट्री की बात करते हैं तो मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं भाई वो नेचुरल हिस्ट्री देखिए, नेचुरल हिस्ट्री मोस्टली लाइज इन ए मराइन हैबिटेट, खारे पानी में होती हैं, ठीक है, बट सम आर आल्सो फाउंड इन ए फ्रेश वॉटर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया ना स्नेल्स, पाइला ग्लोबोसा, ठीक है, जो हमारे पास कौन सा है भाई, पाइला ग्लोबोसा ये जो है, ठीक है ना, इसमें कौन सा है भाई, पाइला ग्लोबोसा, तो ये जो स्पीसीज है पाइला ग्लोबोसा, इसमें ये फ्रेश वॉटर में मिलती है। अगर हम स्पीसीज के नंबर की बात करते हैं भाई तो स्पीसीज के नंबर की भी बात देखिए बेटा, ये जो फाइलम है ना ये बहुत, मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम, स्पीसीज इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द प्लांट किंगडम, विच कंसिस्ट ऑफ अबाउट 150,000 स्पीसीज। इसमें कितनी स्पीसीज है, लगभग 1.5 लाख स्पीसीज इसके अंदर प्रेजेंट है। अब अगर हम यहां पर इसकी यूनिक फीचर्स की बात करते हैं भाई, तो देखिए यूनिक फीचर्स में हमारे पास क्या चीज है भाई, हमने आपको बताया कि इसके पास कुछ यूनिक फीचर जो प्रेजेंट है उसमें क्या है, यूनिक फीचर के बेस के ऊपर वो कौन कौन से फीचर है भाई, यूनिक फीचर नंबर वन, बॉडी डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन भाई, वो तीन रीजन, हेड, मेंटल जिसमें क्या है विसरल मास, ठीक है, और एक क्या है भाई फुट, ये सब तीनों चीजें प्रेजेंट है, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है भाई, रेस्पिरेशन गिल्स की बात जाम करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बॉडी कंसिस्ट ऑफ ए मेंटल कैविटी, कंसिस्ट ऑफ ए मेंटल कैविटी,
और मेंटल कैविटी ही बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है भाई, जैसे एनस उसी में प्रेजेंट है मेंटल कैविटी के अंदर, ठीक है भाई। इसके साथ साथ क्या है, कैलकेरियस सील प्रेजेंट है ना, रेडुला, बियर्स टिथ, दांत होते हैं जिसमें। तो ये एक यूनिक फीचर ही तो है इस ऑर्गेनिजम्स के, जो इसको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से सेपरेट कर देते हैं। इसके अलावा इसकी कुछ एडवांस करेक्टर भी हैं भाई, और इसकी एडवांस करेक्टर जो प्रेजेंट है वो कौन कौन से हैं भाई एडवांस करेक्टर। तो इसमें जो एडवांस करेक्टर हैं भाई उसमें क्या क्या है, देखिए हेड मोस्टली स्पीसीज के अंदर सेपरेट है, डिस्टिंक्ट है, मसल्स बंडल्स की फॉर्म्स में अरेंज है जो स्पेसिफिक पार्ट के बेस के ऊपर मूव करती है, वेल डेवलप्ड गिल्स रेस्पिरेशन के लिए ऑल केसेस में गिल्स प्रेजेंट है, मच बेटर सेंस ऑर्गन आई है, स्टेटोसिस्ट है, ओस्फेरिडियम्स आल्सो प्रेजेंट, बहुत सारे केसेस में ओस्फेरिडियम्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब अगर मान लीजिए हमें इस पार्टिकुलर ग्रुप की यानी इस फाइलम के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो इसके क्लासिफिकेशन में क्या है, ये जो फाइलम है भाई इट्स डिवाइडेड इनटू सिक्स क्लासेस, ठीक है। ये जो फाइलम है इसको हमने कितनी क्लासेस में डिवाइड कर दिया, देखिए फाइलम मोलुस्का इज डिवाइडेड इंटू सिक्स क्लासेस, किसमें भाई सिक्स क्लासेस में डिवाइड हो जाता है। अब वो सिक्स क्लासेस कौन कौन सी हैं, अलग अलग वो क्लास हैं हमारे पास, और अगर हम उनको देखें तो सबसे पहले कौन सी हमारे पास है, मोनोप्लोकोफोरा, सबसे पहले हमारे पास है मोनोप्लेकोफोरा। सेकंड क्लास जो हमारे पास होगी भाई उसमें कौन सी चीज प्रेजेंट है, एम्फीनूरा। दूसरी कौन सी है भाई, एम्फीनूरा, ठीक है। थर्ड जो क्लास हमारे पास है, इस क्लास में हमारे पास है स्कैफोपोडा। तो पहले एम्फीनूरा, सॉरी पहला कौन सी है मोनोप्लेकोफोरा, दूसरी कौन सी है एम्फीनूरा, थर्ड कौन सी है स्कैफोपोडा, फिर हमारे पास कौन सी है भाई गैस्ट्रोपोडा। ये गैस्ट्रोपोडा इसमें है भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं हम, नेक्स्ट क्लास में हमारे पास है पेलिस पोडा, ठीक है। अजीब अजीब से नाम है बेटा, आप पजल ना हो, ठीक है। एक एक को थोड़ी ध्यान से पढ़े, एक दो बार जब आप इसको पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे, ठीक है। सिफेलोपोडा। तो इस तरीके से हमारे पास ये सिक्स मेन क्लासेस प्रेजेंट है, मोनोप्लेकोफोरा, एम्फीनूरा, स्कैफोपोडा, गैस्ट्रोपोडा, पेलिसाइक्रोपोडा और सिफेलोपोडा। ये सभी क्लासेस जो हमारे पास प्रेजेंट है, इन सभी क्लासेस के अंदर अलग अलग मेंबर्स प्रेजेंट हैं। और अगर हम मेंबर्स की बात करते हैं तो इसमें हम एग्जाम्पल डाल सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से एग्जाम्पल है हमारे पास, देखिए। अब जो हमारे पास ये सिक्स क्लास है, इन सिक्स क्लासेस में एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास पहला एग्जाम्पल जो हमने दिया है यहां पर वो है नियोपेलिना। इट इज द कनेक्टिव लिंक्स बिटवीन द मोलस्का एंड एनालिड्स। ये एक लिंक्स है भाई, ठीक है भाई। दो ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स के एक साथ इसमें करेक्टर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है चीटोन।
सिटोन जो ये ग्रुप का ऑर्गेनिजम्स है भाई, इस ग्रुप को हम एक तरीके से, इस मेंबर को हम स्पेसिफिक नाम से जानते हैं, जिसको बोलते था कोट ऑफ मेल सील, मेल सील के नाम से, MAIL मेल, ईमेल होती है जो उसके बेस के ऊपर। फिर उसके बाद है डेंटालियम्स, डेंटालियम्स जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टस्क सील के नाम से बोलते हैं। और उसके साथ साथ नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, पाइला हेक्जिला। ये जो स्पेसिफिक ये जो क्लास है हमारे पास, इसमें सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। पाइला है, हेलिक्सा है, पाइला मीन्स एप्पल स्नेल जो आपको नदियों में मिलता है, और हेलिक्सा जो गार्डन स्नेल होता है उसकी बात करते हैं। देन अब इस ग्रुप के अंदर देखिए भाई, हमारे पास क्या है, पिंक टाटा जो मोती होते हैं, मोती आप मोती जिसको हम कमर्शियल वैल्यू समझते हैं, जैसे हीरे मोती बोलते हैं ना, वो मोती इस पिंक टाटा से मिलता है। देन सिफेलोपोडा जिसमें सिर जो होता है वो सेपरेट होता है, सीफिया है, द कटल फिश है, या लॉलीगो इसमें प्रेजेंट होती है भाई, स्क्विड जिसको बोलते हैं, ऑक्टोपस जो है वो सब इसमें प्रेजेंट है। तो ये जो ग्रुप है हमारे पास, ये जो फाइलम प्रेजेंट है बेटा, इस फाइलम के अंदर हमने बताया कि इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इन द प्लांट किंगडम, सॉरी एनिमल किंगडम्स। इसके अंदर लगभग 1 लाख 1.5 लाख तक स्पीसीज प्रेजेंट होती है। तो आज के हमारे इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे विद नेक्स्ट फाइलम, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।